एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं कान्हा जी का भोग, जो मेवा पाक होता है वो। तो मैंने यहाँ पर करीब 100 ग्राम करीब मैंने ले ली है गोंद, और इसको मैं देसी घी में, मैंने करीब 1 लेडल देसी घी लिया है, और उसमें मैं लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि अंदर से कच्ची ना रह जाए। कई बार क्या होता है कि हाई फ्लेम पर जब हम इसे भूनते हैं तो ऊपर से फूल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है, जो कि दांतों के बीच में आकर चिपकती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से इसको लो फ्लेम पे पेशेंस के साथ अच्छे से भून लेना है। तो ये भून चुकी है, उसके बाद मैंने यहाँ पर बादाम काटे थे छोटे छोटे पीसेस में, मतलब छोटे नहीं, एक बादाम के 2 पार्ट कर दिए थे। इस तरह से आपको काटना है। अब मैं इसे भी देसी घी में भून लेती हूँ। उसको एक जो हमने घी रखा था उसी कढ़ाई में हम सारे ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने हल्के से जो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें भूनना है, और उसके बाद उनको हटा लेना है, और हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है वरना सारे बादाम जल जाएंगे। आपको लो फ्लेम पर ही भूनना है। जन्माष्टमी की मुझे और भी तैयारी करनी थी, इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाई। तो मैंने गोंद भून लिया था, बादाम भून लिए थे और काजू भून लिए थे। उसके अलावा मैंने जो गोला होता है सूखा वाला वो कसकर वो भी भून लिया था, और सबको एक साथ मिक्सर जार में, मतलब गोले को छोड़कर, क्योंकि गोला तो हमने घिस लिया था उसको छोड़कर, आपको काजू बादाम और मखाने और गोंद इन सबको लेकर ग्राइंडर में दरदरा सा आपको पीस लेना है, और उसके बाद आप इसे एक परात में निकाल। तो जितना हो सकता है मैं आपको एक बार दिखाऊंगी, और अगर आपको नहीं समझ में आता है कहीं पर कोई स्टेप तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो को दोबारा से बनाकर, ये रेसिपी दोबारा से बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने जो सारे ड्राई फ्रूट्स भुने थे अब उनको जार में डालकर पीस लूँगी। तो मैंने इनका कोई वेट नहीं करा था, मैंने ये आइडिया से ले लिए थे एक एक कटोरी के करीब, और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली है, और उसमें मैं 1/2 कटोरी पानी डालूंगी और 1 तार की चाशनी बनाऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर 1/2 कटोरी पानी डाल रही हूँ, और फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। जब 1 तार की चाशनी बन जाएगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी मेवा को, जो मैंने डाली थी सारी मेवा को दरदरा पीस लिया है, और यहाँ पर उबाल भी आना शुरू हो गया है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से चेक करें क्योंकि चीनी बहुत गर्म है, हाथ पे चिपक जाएगी तो छाला पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद। तो इसी बीच बीच में ऐसे चेक कर लेना है, अभी इसमें कोई तार नहीं बनना था तो मैं इसी तरीके से इसे बीच में चेक कर लूँगी। जब तार बनने लगेगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 तार की चाशनी बन चुकी है, क्योंकि मैंने जब उसको उंगलियों में चिपकाया तो 1 तार बन रहा था, आपने देखा होगा। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, और जितनी भी हमने ड्राई फ्रूट पीसे थे वो सब इसी में ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने जो ड्राई फ्रूट्स पीस कर रखे थे वो सारे इसमें डाल दिए हैं। तो ये डालने के बाद मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट साबुत बचा लिए थे उसी में से, तो और जो गोला का साथ घिसा था वो तो मैंने नहीं पीसा था, और बाकी थोड़े थोड़े से एक एक मुट्ठी मैंने बचा लिए थे तो वो भी डाल दूंगी, तो अच्छा देखने में अच्छा लगेगा। वरना तो चाहे आप सारे पीस सकते हैं, लेकिन अगर डाल देंगे तो थोड़ा सा उसका लुक अच्छा आएगा। थोड़ा सा उसमें साबुत भी रखना है आपको। तो मैंने इस तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, और फ्लेम मैंने अब ऑफ कर दिया है, और अब इसे थाली में जमा देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि अपने आप में ऐसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और आप अपने पसंद के, जैसे कि वो क्या कहते हैं उसको, मगज के बीज होते हैं या फिर कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पर 4 चीज़ें ही ली हैं, 4 से 5 चीज़ आई थिंक। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती हूँ। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। तो बस ये मैंने मिक्स कर लिया है, इसके बाद मैंने थाली में देसी घी लगा लिया है। आप भी देसी घी लगाएं, क्योंकि जो मिठाइयाँ होती हैं ज़्यादातर वो घी में ही बनती हैं, तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करें, आप घी ही यूज़ करें मेवा भूनने के लिए भी और थाली में ग्रीस करने के लिए भी। तो मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, अब इसको फैला दूँगी मैं ऊपर से। तो अब ये जो मिक्स है मेवा पाक का, ये हम थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको अच्छे से फैला लेते हैं। और फैलाने के बाद मैंने गोला घिसा था जो, उसको इस पर गार्निश कर देंगे। वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो गार्निश कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही छोड़ दें।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मैं स्प्रेड कर रही हूँ चारों तरफ। इसको इवन रखना है क्योंकि हम इसे बर्फ़ी की शेप देंगे, तो इसको इस तरह से स्प्रेड कर देना धीरे धीरे से। और गरम गरम में ही हम इसमें कट लगा देंगे। वैसे तो ठंडा होने पर भी इसमें कट लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरम में लगा देंगे तो आपको थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा कट लगाने के लिए, पीसेस निकालने के लिए। तो इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद मैं इसमें जो गोले के पीसेस थे वो डाल दिए मैंने। इसको भी मैंने ऐसे ही घिस लिया था, जो स्लाइसर होता है खीरा चिप्स काटने वाला उसमें। और इस तरीके से आप डाल दें और इसको ऊपर से प्रेस कर दें ताकि इसमें चिपक जाएंगे। और उसके बाद आप इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होगा कि इसमें एक निशान पड़ जाएगा और उसके बाद ये आराम से निकल जाएंगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। तो इस तरीके से नीचे से कोई भी आपको फ्लैट बर्तन लेना है और इस तरीके से उसको प्रेस करना है तो ये जो गोला है इसमें आराम से चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। ऊपर ऊपर रहेगा तो वो हट जाएगा, तो इस तरीके से प्रेस करना है। तो यहाँ पर मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं ठंडा होने के बाद, और आप देखिए कितने अच्छे बने हैं। और एक पीसेस मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। देखिए बहुत टेस्टी मेवा पाक बनी है, आप एक बार इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस